Hello and welcome everyone to class 9th English class. Today in this video we are going to cover chapter 4, A Truly Beautiful Mind of Your Beehive book. So let's get started. Let us know what does this chapter contains. So I am going to read the first para. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. Author कहता है कि Albert Einstein का जन्म जो है 14 मार्च 1879 को जर्मनी की एक सिटी अल्म में हुआ था विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिंड फॉर ग्रेटनेस. और तब कोई नहीं जानता था, कोई किसी को इशारा नहीं था कि एक समय इसकी किस्मत इसको इतना ज़्यादा बड़ा कर देगी या इसकी किस्मत में इसको इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा महान होना लिखा है. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. To her, his head seemed much too large. तो एक तो इन्होंने दुनिया में इतना नाम कमाया लेकिन इनकी माँ बचपन में ठीक इसका उल्टा समझती थी. वो समझती थी कि एल्बर्ट जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा अलग था बचपन में. और उनका शक थोड़ा सा इस पर इसलिए भी था, उनको ऐसा लगता था कि ये मेरा बच्चा नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उनका सर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था देखने में. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग. तो जब वो करीब 2.5 साल के हो गए फिर भी आइंस्टीन जो है अभी बोल नहीं पाते थे, बातचीत नहीं कर पाते थे. वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. और किसी तरीके से फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो बचपन में कोई भी चीज़ दो बार बोला करते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एज हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. आइंस्टीन को ये मालूम नहीं होता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना है, कैसे रहना है, और इस वजह से जो दूसरे बच्चे थे वो आइंस्टीन को बोरिंग नाम से बुलाते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था आइंस्टीन के साथ खेलने में. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. तो क्योंकि अब उसके साथ कोई खेलता नहीं था, आइंस्टीन के साथ कोई नहीं रहता था, तो आइंस्टीन ज़्यादा समय अपने आप में ही खेला करते थे, अकेले ही खेला करते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. आइंस्टीन का बचपन से जो मशीनरीज वाले टॉयज थे उनमें उनका प्यार ज़्यादा हुआ करता था और ऐसे खिलौने वो ज़्यादा खेला करते थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही इज सेट टू हैव सेट फाइन बट वेयर आर हर विंग्स. तो आइंस्टीन को मैकेनिकल टॉयज इतने ज़्यादा पसंद थे कि जब उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ तो अपनी माँ से वो पूछते थे और लोगों से पूछते थे कि ये पैदा हुई है लेकिन इसके पहिए कहाँ पे हैं, क्योंकि उनको हर टॉयज़ में, हर मैकेनिकल टॉयज़ में उनको पहिए दिखते थे. तो वो सोचते थे कि जो भी चलता है, मूव करता है, वो ऑन व्हील्स ही चलता है, तो इसके तो पहिए हैं ही नहीं, तो ये कैसे चलेगी, ऐसा उनका दिमाग बचपन में था. अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. तो आइंस्टीन के फादर से आइंस्टीन के हेडमास्टर ने एक बार कहा कि आइंस्टीन चाहे कोई भी प्रोफेशन क्यों ना चूज़ कर ले उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा. ऐसी बात हेडमास्टर ने उनके फादर से कही थी. आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू. आइंस्टीन जो है वायलिन को बजाना उन्होंने शुरू किया 6 साल की उम्र में क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और सीखते सीखते वो एक ऐसे वायलिनिस्ट बने जो कि शौक के रूप में उसको बजाते थे और उन्होंने अपनी ये स्किल ता जिंदगी अपने साथ रखी. बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल. एल्बर्ट आइंस्टीन बुरे आदमी नहीं थे. He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old. तो आइंस्टीन की जो हाई स्कूल की पढ़ाई रही वो म्यूनिच में रही क्योंकि आइंस्टीन की फैमिली जब वो 15 महीने के थे
तब उनकी फैमिली म्यूनिख को मूव कर गई थी और उन्होंने यहीं से अपना हाई स्कूल किया था एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और उन्होंने अपने हाई स्कूल के क्लास में ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स उन्होंने अचीव किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टीन जो है अपने स्कूल की जो डिसिप्लिन वाली कैटेगरी थी उसको बहुत ज़्यादा वो हेट करते थे, घृणा करते थे उससे, और उस वजह से डिसिप्लिन को लेकर कई बार वो अपने टीचर से उनकी लड़ाई भी हो जाती थी, भिड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो 15 साल की उम्र में आइंस्टीन धीरे धीरे वहाँ पर इतने ज़्यादा उनको घुटन होने लगी उस स्कूल में कि उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी वेयर वॉज विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिख। तो अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो एक साल पहले ही आइंस्टीन को वहाँ पे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के म्यूनिख में वो चले गए थे। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद अपने फैमिली में आइंस्टीन की जो इच्छा थी कि वो एक ऐसे स्विट्जरलैंड वाले एरिया में पढ़ें जहाँ पे जर्मनी ज़्यादा बोली जाती है, ऐसे सिटी में पढ़ें, तो उनको जो है फाइनली ये मौका मिला कि वो जर्मनी की एक ऐसे सिटी में, स्विट्जरलैंड की एक ऐसी सिटी में वो पढ़ें जहाँ पे जर्मन ज़्यादा बोली जाती थी। उनकी इच्छा थी और फाइनली उनके पेरेंट्स ने उनको इजाज़त दे दी और वो सिटी जो है म्यूनिख से ज़्यादा लिबरल थी। ज़्यादा लिबरल होने का मतलब कि वो जो सिटी थी वो लोगों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करती थी और उसको समझती भी थी, लेकिन म्यूनिख में उनको ऐसा लगता था कि वहाँ के लोग दूसरे की ओपिनियन को ना तो रिस्पेक्ट देते हैं ना तो उनकी ओपिनियन को कोई समझता। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। आइंस्टीन को बाय बर्थ से ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और अपना स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने का फैसला किया। बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद वेलरस मुस्टैच। ऑथर कहता है लेकिन साइंस ही एक ऐसी सब्जेक्ट नहीं थी जो कि आइंस्टीन को भाती थी। साइंस के अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थी जो कि इस बेहतरीन यंग मैन को पसंद आती थी। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.